जान कुमार शानू, बहुत अच्छे यार। जान मुझे बताओ, आपकी हंसी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिग बॉस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने शो तो देखा ही होगा और मैं आपके फादर को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो अनलेस ये एक आपका अलग साइड है और बिग बॉस के अंदर एक आप अलग साइड दिखाओगे। सो ऑनेस्टली बिग बॉस से ज़्यादा नर्वस आई एम बिकॉज आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट मैं आपको मिल रहा हूँ सर। एक्चुअली माई फुल बॉडी शेकिंग बिकॉज आई हैव बिन योर फैन सिंस बिफोर लाइक आई गॉट टू नो लाइक एनी थिंग दैट माई डैड हैज डन विथ यू माई वर्क लाइक माई डैड हैज वर्क विथ यू एंड जो आपका प्रेजेंस है सर उसके कारण मैं थोड़ा सा यू नो आई एम जस्ट अ बिट dazed. You don't worry about me, John. You don't worry about me. You worry about the contestants inside. घबराना है काम. नहीं सर, contestants को मैं संभाल लूँगा. Contestants को सर मैं संभाल लूँगा सर. अच्छा, बहुत अच्छा. Because सर मैं बहुत time से ये show देखते आ रहा हूँ. So I'm a very big fan of it and I'm very happy to be here. I'm very happy कि आप घर में जा रहे हो. रोना नहीं घर में जाके कि daddy की याद आ रही है. नहीं 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 सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं. और यहाँ से अभी से थोड़ा सा डाइट वाइट कम करना शुरू कर दो, थोड़े से टास्क वास करना शुरू कर दो घर के अंदर ही, बिस्तर के नीचे घुस जाओ, चार दिन तक निकलो नहीं. ओके सर. और घर से बाहर निकलना नहीं भाई, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जाने से पहले आपको कहीं आइसोलेशन में जाना नहीं पड़े. जी सर. Be very careful because your father is also at home. So you need to be very careful. बहुत संभल के रहना भाई, क्योंकि senior citizens हैं अब, almost मैं भी, तो आपको ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. ये तुम्हारी जो एक innocent जो smile है वो देख के ऐसा लग रहा है कि तुमको थोड़ी सी guidance की ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं एक एक्स कंटेस्टेंट को ये ड्यूटी सौंप रहा हूँ कि आपको कुछ टिप्स दें. और ये है द विनर ऑफ सीजन 13 यानी कि 13, सिद्धार्थ शुक्ला. आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ. Hey John, what's up my man? How you doing? All good, bro. Very excited for Big Boss. How about you? Me, I'm excited to see all of y'all and getting excited in anticipation, hoping what you guys are going to do. वैसे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये आपको पता है, इस घर में टिप्स देना था मुझे आपको कुछ, तो इस घर में रहने के लिए मैं आपको सिर्फ ये टिप्स दे सकता हूँ कि इस घर में ना बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस को डील करना आपको आना चाहिए. तो आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं? आई थिंक सो, यस, आई एम अप फॉर इट. हां, आई एम अप फॉर इट. आई थिंक आई कैन. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एंड द ओनली थिंग दैट आई लाइक टू टेल यू इज दैट यू नो यू जस्ट नीड टू बी योरसेल्फ, बी रियल एंड यू नो स्टैंड योर ग्राउंड एंड स्टैंड फॉर एनीथिंग दैट यू फील इज राइट. यू नीड टू वॉइस योरसेल्फ. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. Okay, now that you look so confident, let me get you into some situations here and let's see how you react to them. All right. तो समझिए कि अगर घर में किसी लड़की ने आप पर चाय फेंक दी तो आप क्या करेंगे? So because I'm a singer, I would like to respond in a very musical manner. मैं बहुत ही musically उसका एक reply करूंगा और उसके लिए मेरे पास एक गाना ये होगा, एक गरम चाय की प्याली हो कोई मुझ पे गिराने वाली हो. क्या बात. एंड अगर वो चाय मेरे ऊपर सुबह के टाइम पे फेंके तो बेटर होगा बिकॉज़ फिर मुझे जागने में दिक्कत नहीं होगी. सो आई थिंक दैट विल बी माय रिस्पांस टू द गर्ल बिकॉज़ दोनों अगर हम लोग झगड़ा करें गर्म हो जाएगी ना तो बात बनेगी नहीं. अगर वो एकदम गुस्से में है तो फिर मैं मैटर को ठंडा करके फिर उसको बाद में समझाऊंगा. एंड इफ शी डज नॉट यू नो then like you know if she does not understand then I'll have to take the Sid approach which I'm the Sid approach. Yes. Okay.
So like a prototype to me, yeah, no? Absolutely. No. I'm trying to like take a lot of pointers because you've really, really inspired and like, you know, you've shown us how actually Big Boss is supposed to be played. So I think I'm gonna try to, you know, do that. Then you're definitely not gonna be singing. You possibly might just make people sing. Yeah, singing. That's going to be a good change for me since I have to sing wherever I go to make people sing will be a good change. Right. Okay, I'll put you in another situation. Agar samjhe ki aapko lagatar log poke karte rahenge, to aap kya karenge? As Rajnikant sir famously said, ki bhediye hamesha jhund mein shikar karte hain. शेर अकेले चलता है तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ जहां पर मुझे ऐसी नौबत आई कि मुझे कंटिन्यूसली पोक किया जा रहा है एंड यू नो मुझे उकसाया जा रहा है तो एक हद तक तो मैं ठीक है ट्राई करूंगा मैटर को सुलझाने की बट जब पानी सर से ऊपर जाएगा तो मेरे भी जवाब होंगे और शायद मेरे जवाब उनको पसंद ना हो बट आई थिंक दैट्स व्हाट दिस शो इज अबाउट सो Fantastic. तो शेर बाहर निकलेगा मतलब बिल्कुल बिल्कुल Fantastic. Well done, जान कुमार. ये सब सुनने के बाद तो मैं बस आपको एक ही चीज कह सकता हूँ Best of luck. Thank you so much. I'm sure it's going to be fun watching you.